अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन करेंगे असेंडिंग ऑर्डर के, कि फ्रैक्शन वैल्यू को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर जैसे कि आपको पता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाना, बट नॉर्मली क्वेश्चंस में और फ्रैक्शन के क्वेश्चन में चेंज ये होता है कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन में ऐड, सब्ट्रैक्शन या ऑर्डर चेंजिंग, ये वैल्यूज़, ये प्रोसेस तब किया जाता है कि जब उनके डिनोमिनेटर मतलब के नीचे की बटे के बाई के नीचे की वैल्यू जो होती है वो जितनी भी वैल्यूज़ दी गई उनकी सेम हो। जैसे कि क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल, जितनी का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन है 10 के 10 के डिनोमिनेटर की वैल्यू सेम हो एक पार्ट की। जैसे कि ए पार्ट है, इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू यहाँ पर 5 है, 10 है, 20। जब तक ये सेम नहीं हो सकती हम इसको ना तो प्लस कर सकते हैं, ना तो हम इसको माइनस कर सकते हैं, ना तो हम इसका किसी भी सेंस में मतलब असेंडिंग में या डिसेंडिंग में इसके ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। अभी हम लोग इसके डिनोमिनेटर की वैल्यू इसको सेम करेंगे, देन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। नॉर्मली क्या होता है, जो भी वैल्यू दी जाती है प्लस में माइनस में किसी भी सेंस में, अब उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं। बट इन क्वेश्चंस को पहले आप इनके डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, उसके बाद उनके ऑर्डरिंग किसी भी जिसमें भी दी जाती है उसमें चेंज करते हैं। ओके जी, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन सबसे पहले आप जब भी करते हैं ऑब्वियसली क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, अब आपने इस क्वेश्चन को लिखा, मैं छोटा छोटा लिख रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा है इजी पर थोड़ा सा लॉन्ग है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन तब मुश्किल लगता है, बुरा लगता है या मुश्किल लगता है जब वो मुश्किल होता है। ठीक है, अब अगर लॉन्ग क्वेश्चन ईजी हो ना तो फिर मुश्किल भी नहीं लगता। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास जो मैंने यहाँ लिखा है। अब पहला स्टेप असेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन वैल्यू को चेंज करने का ये है कि इनके ऑर्डर्स जो डिनोमिनेटर की वैल्यूज उन्हें सेम करना। अब देखिए डिनोमिनेटर की वैल्यू देखिए, फर्स्टली यहाँ पर है 5, नेक्स्ट है 10, फिर है 20। अब हमने या तो 5 को मैंने, अब जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है ना, कोशिश करनी है सबसे बड़ी वैल्यू के अकॉर्डिंग सबको चेंज करना। अब ये 20 है तो मैंने ये 10 को भी 20 बनाना है, इस 5 को भी 20 बनाना है। ठीक है, अब देखें मैं इसको 5 बनाऊँ या इसको 5 बनाऊँ, बना तो मैं सकती हूँ लेकिन वो चेंज हो जाता है। तो हम कोशिश ये करते हैं, ईजी वे करते हैं कि जो बड़ी वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग सबको वही बना देते हैं। अब ये 20 है, मैं 10 को भी 20 बनाऊँ, 5 को भी। अब पहले हम सोचेंगे कि क्या मैं 10 और 5 को 20 बना सकती हूँ, मीन्स के 5 का टेबल किसी भी वैल्यू तक पढ़ा जाए कि वो 20 आ जाता है। 5 के टेबल में 20 आता है, 5 4 20, और 10 के टेबल में भी आता है 10 2 20। तो हम इसको उसके अकॉर्डिंग करेंगे। हमने जब सॉल्व करने लगना है, ये लिखा 4, ये 5, इसी वैल्यू का मैं दोबारा गैप दे के नोट कर रही हूँ ताकि आपको पता चले। ठीक है, अब मैंने 20 बनाना है, 5 के टेबल पढ़े कहाँ तक 20 आता है, 5 4 20, तो इसी 4 को हमने ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब 10 का टेबल पढ़े के 20 है, 10 2 20, तो इसी 2 को मैंने ऊपर ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हो गया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किसी से भी नहीं करना, अगर आप चाहें तो 1 से करें लेकिन हम किसी से भी नहीं करते, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। 4 का टेबल 4 तक पढ़े 16, 5 का टेबल 4 तक पढ़े 20, 7 2 14 एंड 10 2 20 एंड 9 by 20 वही आ गया। ठीक है, अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने के लिए हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, बिकॉज हमारे पास इसके ऑर्डर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ सेम है। अब हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इनको ही लिखें या आप इनके बिहाफ पे जो पीछे वैल्यूज़ है, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाती हूँ को मैं चेंज करती हूँ ताकि आपको उनकी समझ आए। देखिए चलें, मैं शॉर्ट करवा रही हूँ। अब हमने कौन से ऑर्डर में चेंज करना है, असेंडिंग, तो असेंडिंग ऑर्डर। चलें, अब असेंडिंग ऑर्डर में से कैसे लिखेंगे, आपने जस्ट ऊपर की वैल्यू मतलब नॉमिनेटर की वैल्यू देखनी है। पहला 9 है, फिर 4 है, फिर क्या 16 है। अब 9 की एक्चुअली वैल्यू क्या है, मतलब ये तो आपने क्वेश्चन देख लिया ना, लेकिन आपने लिखनी एक्चुअली ये वैल्यूज़ हैं।
देखना आपने इसको है, लिखनी आपने इसकी एक्चुअली क्वेश्चन की वैल्यू है। अब 9/20 की एक्चुअली वैल्यू आपने कॉमेस के ऊपर पर जाते जाना है, जो एक्चुअली वैल्यू क्या है 9/20, तो आपने चेंज से लिख लेते हैं 9/20 लिखी, ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। सेंडिंग का मतलब छोटी वैल्यू है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर 9 के बाद आती है 14। अब 14 की एक्चुअली वैल्यू क्या है 7/10 लिखी। फिर है 16/20, उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है 4/5, वो हमने लिख दी। ये हमारे पास आगे इसके असेंडिंग ऑर्डर्स, मुश्किल तो नहीं है, जस्ट आपने सॉल्व करने के बाद उसकी एक्चुअली ऊपर देखना है कि ये 16/20 एक्चुअली आया कहाँ से, तो एक्चुअली यहाँ से आया, आपने वो वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं ज़रा इधर करके लिखती हूँ ताकि चलें जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपने क्वेश्चन को ही लिखा, कॉमे मैं बाद में लिखती हूँ ठीक है, ताकि आपको इन कॉमेस की समझ आए, कॉमेस के अकॉर्डिंग आप लिखते जाएंगे ना ये लें चलें, तो फिर आपको गलती भी नहीं होगी, कोई भी गलती नहीं होगी आपसे। ओके जी, अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन कि हम इसके डिनोमिनेटर को सेम कैसे करें। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 24। अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं 8 को भी 24 बनाऊँ और 12 को भी। पहले हम टेबल पढ़ते हैं कि 12 को मैं बना सकती हूँ 24, तो वी नो कि 12 टू ज़ा 24। अब 8 को 24 तो 8 थ्री ज़ा 24, तो मैं क्या करूँगी, आपने इसी क्वेश्चन को दोबारा लिखा, इसको तो ऐसे लिख देंगे ना, अब मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 8 से 24 होता है वही 3 ऊपर, 8 टू द 24 होता है वही 2 ऊपर। अब नीचे की फॉली को पहले सॉल्व करेंगे, 24 11 3 9 5 2 10, ये हमारे पास जनरल क्वेश्चन इसके सॉल्व हो के आगे, मतलब इसके डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम करेंगे इसके असेंडिंग ऑर्डर्स लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर के लिए हम देखते हैं सबसे पहले छोटी वैल्यू जो कि है 9, पहले 9 है, फिर 10 है, फिर 11, 9, 9 का जनरल क्वेश्चन क्या है, डेट इज़ 3/8, तो हम लिखेंगे 3/8 कोमा, फिर 9 के बाद है 10, 10 का जनरल क्वेश्चन क्या है 5/12, उसके बाद क्या आता है 11/24 एज इट इज़। चलें जी, ये थे आपके फ्रैक्शन वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। अब आपने याद रखना है कि फ्रैक्शन में जब भी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, इसी को चाहो तो डिसेंडिंग में कर दें, पहले आएगा 11/24 फिर 5/12 फिर 3/8, बट आपके डिसेंडिंग ऑर्डर की क्वेश्चन नहीं है, अभी असेंडिंग में ही कर दें। तो असेंडिंग में चेंज करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, मस्ट, कि आपने इसके डिनोमिनेटर को सेम करना, उसके बगैर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। अब आपको होमवर्क में टास्क किया कि आपने इसके रिमेनिंग पार्ट जितने भी हैं सेम ऐसे ही हैं अपनी होमवर्क कॉपी पे करने हैं, देन उसकी पिक्चर क्लिक करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है ताकि हम उसे चेक कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर के लिए नेक्स्ट टॉपिक का इंतज़ार करें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।